सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे मेकअप ब्लॉग में। तो मैंने CTM पहले ही कर लिया है और अभी लिप बाम अप्लाई करके आई एम मूविंग टू द बेस। गाइस प्लीज़ इग्नोर माय हेयर एंड मेरा ये पहला ही ब्लॉग है तो कोई भी गलती होती उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहूँगी। So let's get into the video now. I'm using the Forever 52, which is a brownie shade. I'm using two shades, which is a dark and one is lighter. मुझे मेरी स्किन का परफेक्ट टोन मिलता नहीं है तो फॉर लाइटर टोन आई एम यूजिंग दिस बीबी क्रीम। डेली वियर मेकअप में आप बीबी क्रीम के साथ जा सकते हैं, बहुत ही नेचुरल लुक देता है। अगर आपको मेकअप ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप बीबी क्रीम के साथ या सीसी क्रीम के साथ जा सकते हैं। मैं इसको फिंगर से ही ब्लेंड कर लूँगी। सो गाइस, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द ऑडियो इश्यू। शायद आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा शेड में मेरे, बट मैंने जब आप इसको मिरर में देखा था तो एक नेचुरल लुक आ रहा था। सो या अभी हम करेंगे ब्लश यूज़। मैं ये स्विस ब्यूटी की ऑल अबाउट लिप पैलेट यूज़ कर रही हूँ जो ब्लश के लिए। ये क्रीमी टेक्सचर है तो आप क्रीमी ब्लश के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये और पिंक और पीची सा शेड लिया था विच इज़ वेरी। मेरे हेयर बहुत ही अजीब लग रहे थे बट क्या करें, मेकअप का भूत चढ़ा और मेकअप करने आ गई हूँ यूट्यूब पे आप सबका सिर खाने। सो या फॉर आई मेकअप मैं ये हुडा ब्यूटी की आई पैलेट यूज़ करूँगी और ये मैंने पीच शेड पिक किया है। थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे और अच्छे से ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लेंगे। आईब्रोज के लिए ये मैं 10 रुपये वाली पेंसिल जो लोकल मार्केट से ली थी वो यूज़ कर लूँगी। और अभी मैं लूज़ पाउडर से अपने स्वेटिंग, यू कैन सी द डिफरेंस, पहले एकदम शाइन आ रही थी अभी मैट लुक में कन्वर्ट हो गया है। और लिपस्टिक आई एम यूजिंग द सेम पैलेट। द लास्ट स्टेप इज़ मस्कारा। आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम मार्स डबल टबर मस्कारा जो मैंने नायका से लिया था। आप अमेजोन से या नायका से इजीली बाय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको मेकअप कैसा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।